गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। आज की इस लाइव में हम बात करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर की, वो भी फ्रैक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। दोस्तों अभी का 5 मिनट हमें दे दीजिए, उसके बाद आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर कभी नहीं भूलेंगे, वो भी भिन्नों का, सिंपल में नहीं, भिन्नों का यानी कि फ्रैक्शन का। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित के हैं, जो कि हो चुके हैं, 10 वालों ने इन्हें पढ़ लिया है। आप ये नंबर वगैरह नोट कर ले और फिर अपडेट हो जाए, ठीक है? तो चलिए डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिलहाल ये है गणित 0 लेवल की जो हम शुरू करने चल रहे हैं आपके सामने, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं। और प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे आपकी ये क्लास मिलती है, प्रत्येक दिन सुबह भोर में 5 बजे, ठीक है? तो देखिए क्या देखेंगे आज हम, पहले देखेंगे आरोही क्रम, फिर देखेंगे अवरोही क्रम। देखिए बिल्कुल बेसिक से देखेंगे आरोही क्रम, जिसे हम दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, 15, 9, 21 और 20 और फिर 25 और 22 का आरोही क्रम। पहले आरोही देखेंगे और वही बाद में देखेंगे, ठीक है? आरोही, तो दोस्तों आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटी गिनती। तो सबसे छोटी गिनती इन सब में कौन है, वो है 9, उससे बड़ी 15, उससे बड़ी 20, फिर आया 21 और फिर 22 और फिर 25। ये क्या हो गया आरोही क्रम, 9, 15, 20, 21, 22, 25 आरोही क्रम हो गया, जिसे हम लोग प्यार से इंग्लिश में इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है? इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना। तो ये तो सिंपल सा नंबर था, सभी लोग जान गए कि 9 बड़ा है, 15 बड़ा है, उससे बड़ा 20 है, उससे बड़ा 21 है। लेकिन अगर आपको भिन्न के रूप में ये दिए गए हो तब आप कैसे जानेंगे, तो बिल्कुल हम वही तरीका आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा, 1/5, 2/7, 1/3 और 2/9 को आरोही क्रम में लिखिए या व्यवस्थित कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको तरीका मालूम होना चाहिए। तो ये है हमारा तरीका जो आप देख रहे हैं, इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे हम, एक तरीका है कि इनको आप भाग दे दीजिए और भाग देकर के आप समझ जाएं। दूसरा तरीका है कि आप इनको एलसीएम लेकर के कर ले, तब भी आप समझ जाएंगे। तो दोनों तरीका आप आजमा सकते हैं। तो हम आपको पहले भाग देने वाला तरीका बताएंगे, फिर हम आपको एलसीएम लेने वाला तरीका बताएंगे, क्योंकि ऐसे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि 2/9 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। 2/7 बड़ा है या 1/5 बड़ा है, कैसे जानेंगे, नहीं समझ में आएगा ना। इन्हें चलिए भाग कर लेते हैं 10 अंगों में। तो 5 से भाग करेंगे 1 में, 5 से ऊपर 10 अंगों बढ़ाया, 0 उतारा और 2, 5 × 10 मतलब कितना गया, 0.2 यानी 0.2 आ गया, ध्यान दीजिएगा। इसमें भाग करते हैं तो 2 में भाग करेंगे 7 से, 10 अंगों बढ़ाया, 7 × 14 6 आया, 0, 7 × 56 4 आया, फिर 0, 7 × 5 35 फिर क्या आया 5, फिर 0, 7 × 7 49 फिर आया 1, 0, 7 × 1 = 7 और फिर 3, फिर 0, 7 × 28 कुल मिला के ये कटेगा नहीं, ऐसे बहुत लंबा जाएगा ये, तो इसे हम 3 अंक तक लिखेंगे बस। 3 से भाग करिए 1 में, 10 अंगों बढ़ाया, 0, 3 × 3 = 9 आ गया 1, फिर उतारा है 0, एक बार 3 गया था, ध्यान दीजिएगा। इसे मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ भाई, यहाँ पे जगह नहीं है, ये 10 अंगों बढ़ाया 0, ये बार बार आता जाएगा, कटेगा नहीं, यानी कि 0.33 इसको हम 3-4 लिख सकते हैं, एक अंक अधिक बढ़ा के, ठीक है? बात समझ गई ना, क्योंकि हम 2 अंक की बात कर रहे हैं, तो
यहाँ पे देखिए पांच है, इसको हम लगभग में नौ लिख सकते हैं, ठीक है। दो ही अंक में सभी को लिख रहे हैं, यहाँ पे आप जीरो कर सकते हैं लास्ट में, हो गया, क्योंकि तुलना करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, और नौ से भाग कर दें दो में, तो नौ से दशमलव बढ़ा लीजिए, जीरो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, नौ दूना अठारह, फिर आया दो, फिर जीरो, नौ दूना अठारह, फिर आया दो, फिर वही कहने का मतलब ये जाएगा 0.23 लगभग। अब आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कौन सबसे छोटा है, कौन उससे बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है। तो आप देखें ये 20 पैसा है, ये 29 है, ये 34 है, ये 23 है, यानी कि सबसे छोटा कौन है, ये 20 पैसा वाला है सबसे छोटा, और ये किसका मान है, 1/5 का। अब इसे हम नीचे व्यवस्थित कर देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यानी इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहला सबसे छोटा ये हो जाएगा, इससे छोटा कौन है, ये 0.23, उससे बड़ा कौन है, ये उससे बड़ा कौन है, ये ना। लेकिन हमें ये थोड़ी निकालना था, हमें तो ये भिन्न वाला निकालना था। अब मान रख दीजिए 0.23 इसका मान था, 0.23 इसका मान था, 0.29 इसका मान था, 7 था ये, 0.34 इसका मान था। ये हो गया क्या आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर आरोही क्रम, आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना। तो ये था भिन्नों का आरोही क्रम। इसके अलावा इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं, वो होता है एलसीएम का मेथड। एलसीएम का मेथड देखिएगा, एलसीएम का मेथड क्या होता है भाई, ये फर्स्ट मेथड हो गया, सेकेंड मेथड आप देखिएगा, सभी हरों का एलसीएम ले लें, तो ये 3, 5, 7 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो 3 एकम 3, ये 5 आया 7 आया, 3 त्रिका 9, ठीक है, क्लियर। एक बार काट दिया, अब जो बच रहा है ये सभी किसी एक गिनती से नहीं कटेंगे, इसलिए अब हम काटे पीटेंगे नहीं, इसको सबको गुणा कर लेंगे, तो 3 5 15 15 7 105, 105 का 3 में गुणा कर दें, यही एलसीएम हो जाएगा, 3 5 15 और 3 0 0, यानी कि 3 एकम 3, 315 है ना, ये 315 हो जाएगा एलसीएम। हम क्या करेंगे 315 में भाई, क्या करेंगे, 3 3 का 9 5 45, 7 7 5 35, 7 4 28, ठीक है, बात समझ में आई ना, सही है ना, ये 3 5 15 15 7, भाई गड़बड़ हो रहा था कुछ, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम इतना नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा, फिर से कर लेते हैं। देखिए 3 5 15 15 7 जो होता है 105 नहीं होता है, 15 7 कितना होता है, 15 6 90, जी बिल्कुल 15 7 105 ही तो होता भाई, सही तो है ना, इकट्ठा करके कर लेते हैं, कुछ मुझे कंफ्यूजन है, ये 7 है और ये 3 3 5 15 15 7 105, ठीक है ना, सही है, बिल्कुल सही है, और फिर 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15 3 1 3, सही है, 5 से भाग देंगे इसमें कितना आएगा, अरे आप जाके देख ले भाई, 315 में 5 से भाग करेंगे तो 5 6 30 1 और 5 3 15 63 आया, ये हो गया कितना 63, ये पहली भी क्लियर हो गई, कितना आया 63/315। दूसरा 7 से भाग कर लें आप 315 में, तो 7 4 28, 3 आया 7 5 35, कितना आया 45, 45 का 2 में गुणा कर दें कितना हो जाएगा 90, 90/315, ध्यान दीजिएगा, 3 से भाग करें फिर से 315 में, 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3, ये कट गया, मतलब कि उतारा है 0, कितना है 105, ये हो गया 105/315, 9 से भाग करिए 315 में, 9 3 27, 4 आया, 9 5 45, 35 आया ना, 35 का 2 में गुणा करते ही हो गया 70/315। अब आप समझ गए होंगे हमारे कहने का मतलब, पूरा हो गया क्लियर, जो आप लोग समझ रहे हैं वही था और ये आ चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि 63 रुपया में 315 लोगों को देना है, 90 रुपया में 315 को, 105 में 315 को और 70 में 315 को, तो किसमें ज्यादा ज्यादा आएगा, सिंपल सी बात है, जिसका हर बड़ा है वही बड़ा है, क्योंकि अंश
सॉरी जिसका अंश बड़ा है वही बड़ा है, क्योंकि हर सबका बराबर कर दिया हमने। तो सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, हमें करना है आरोही क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा कौन है, ये 63/ कौन है, 63/115 ना, 315 ये किसका मान है, लेकिन 1/5 का, तो 1/5 पहले आएगा। 63 के बाद कौन है बड़ा, 70, यानी कि दूसरे क्या आएगा, 2/9, क्योंकि इसका मान जो है ये है। तीसरे पे ये हो गया, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब ये आया ना, ये किसका मान है, इसका मान है, तो 1/3 आया। अब ये लास्ट में जो बचा, 2/7 हो गया। बात क्लियर है ना, ये हो गया आरोही क्रम, आपने दोनों मेथड से देख लिया। आपको कैसे लगा कृपया जरूर बताइएगा। ये था जीरो लेवल मैथ का आपका 14वां भाग था ना भाई, कौन सा भाग था, पार्ट 14 या 13 कौन सा था, देख लिया आपने ना। अगर आपको आज तक के सभी 14 पार्ट में से पिछले पार्ट नहीं मिले हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, कांटेक्ट करिएगा, या फिर स्क्रीन पर दिया गया इस पे आप लोग कांटेक्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मित्रों आपको एक लिंक दी गई है, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें, पीबीआर स्टडी को फेसबुक पर अवश्य लाइक करें, फेसबुक पेज को, और अनअकैडमी पर भी फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में आपको और भी लिंक दी गई है, सभी लिंकों के माध्यम से आप हमें हर जगह कांटेक्ट करें, और आप बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर के पढ़ाई करें। मैथ आपको आएगी, हमारी गारंटी है, 100% गारंटी है। बस आप पीबीआर स्टडी को कुछ अपने मित्रों में भी शेयर करिए, ऐसी हमारी आप लोगों से विशेष प्रार्थना है कि पीबीआर स्टडी को अपने मित्रों में, रिलेटिव में, अंकल आंटी भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाइफ हस्बैंड जो भी है सबको शेयर करिए, किसी को भी मत छोड़िए, सभी को पीबीआर स्टडी शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।